This is a isopure protein shake, so it has zero carbs in it. And so basically you're taking in zero calories and you're getting 25 grams of protein in that. हमारे मसल रिपेयर एंड मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसी वजह से प्रोटीन शेक्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन जहां कंफ्यूजन अभी भी है वो ये कि हमें प्रोटीन शेक एक्चुअली लेना कब चाहिए। इस टॉपिक पे काफी डिबेट छिड़ा रहता है ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। कई लोग ये एडवाइस करते हैं कि वर्कआउट से पहले ही हमें अपना प्रोटीन शेक पी लेना चाहिए एंड कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन शेक वर्कआउट के तुरंत बाद हमें 30 मिनट्स के एनाबॉलिक विंडो में पीना चाहिए। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है कि आखिर प्रोटीन शेक पीना कब चाहिए तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक यू विल हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलो शुरू करते हैं। काफी एक्सपीरियंस जिम एंथुजियास्ट भी इस चीज को प्रमोट करते हैं कि वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना प्रोटीन शेक या सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। इससे आपको जिम में मिनिमम रिजल्ट में मैक्सिमम इफेक्ट दिखेगा। ये जो वर्कआउट के बाद 30 मिनट्स का टाइम है उसी को हम एनाबॉलिक विंडो भी कहते हैं। इस टाइम पे एक्चुअली आपकी मसल्स वर्कआउट की वजह से एफर्ट्स करके थक चुकी होती है एंड ऑलमोस्ट स्पॉन्ज की तरह हो जाती है। आप जैसा न्यूट्रिशन देंगे उसे सोख लेगी। एनाबॉलिक विंडो में पर्टिकुलरली प्रोटीन सप्लीमेंट को ही लेना चाहिए। ये सोच भी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मसल्स के ऐसे स्टेट में अगर वो अपनी बॉडी को हाई डोसेज ऑफ प्रोटीन देंगे तो उनकी मसल्स मैक्सिमम प्रोटीन सोख लेगी एंड इससे उनकी मसल्स की डेवलपमेंट सबसे अच्छी होगी। शायद आपको ऐसा लगता है कि किसी और टाइम पे प्रोटीन का बॉडी पे उतना इफेक्टिव असर नहीं होता, राइट? लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी रिसर्च स्टडी ने एनाबॉलिक विंडो के टाइम लिमिट को ही डिसअप्रूव कर दिया है। अब ये पता चला है कि आपकी बॉडी के लिए एनाबॉलिक विंडो मतलब जो सबसे बेटर टाइम है अपने मसल्स को न्यूट्रिशन देने का वो सिर्फ वर्कआउट के बाद 30 मिनट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप प्रोटीन शेक प्री या पोस्ट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ। प्रोटीन शेक का आपके प्री या पोस्ट वर्कआउट मसल स्ट्रेंथ और मसल के साइज पर क्या असर होता है, अभी तक सिर्फ एक ही स्टडी ने इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को टेस्ट किया है। लेकिन इस स्टडी का डिजाइन इतना सिंपल था एंड इतना जीनियस था कि इसके बाद बहुत सारे स्टडीज पे डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ब्रैड जॉन शॉनफेल्ड एंड एलन एरगोन ने अगस्त 2017 में इस स्टडी को कंडक्ट किया एंड रिजल्ट को US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जर्नल में पब्लिश किया। सिंपल स्टडी ये थी कि प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में से किस टाइम पे प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने से मसल साइज, हाइपरट्रॉफी एंड मसल स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। इसके लिए 21 आदमियों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया एंड दोनों ग्रुप में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन शेक पर डे दिया गया। दोनों ही ग्रुप को एक ही टाइप एंड इंटेंसिटी का वर्कआउट करवाया गया। सिर्फ फर्क इतना था कि एक ग्रुप को वर्कआउट के ठीक पहले प्रोटीन पीना था एंड दूसरे ग्रुप को वर्कआउट के ठीक बाद प्रोटीन पीना था। 10 वीक्स तक एवरीडे हर मेंबर को टोटल बॉडी वर्कआउट करना था। हर किसी को 3 times a वीक की फ्रीक्वेंसी पे ही वर्कआउट करना था ताकि कोई भी कम या ज्यादा एफर्ट ना डाले। इंटरेस्टिंगली स्टडी के एंड में ये पता चला कि दोनों ही ग्रुप के रिजल्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आए, न मसल स्ट्रेंथ में न मसल साइज में। इस छोटी सी स्टडी को 10 वीक्स तक फॉलो करने के साथ कंक्लूसिवली ये प्रूव हुआ कि प्रोटीन शेक आप वर्कआउट के बाद पिए या उससे पहले इसका आपकी मसल हाइपरट्रॉफी पे अलग से कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं करती बट आपकी बॉडी कार्ब्स एंड फैट को स्टोर करती है। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो फाइनली आपको इस बात की ना क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट का आपके प्रोटीन लेने की टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको वर्कआउट के बाद एक चीज जरूर करना है, आपने वर्कआउट करते वक्त जो एनर्जी लूज किया है उसको रिकवर करने के लिए आपको वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में लेना चाहिए। आपने वर्कआउट के बाद जो पसीने की वजह से हाइड्रेशन लूज किया है उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स
एंड पानी आपको लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिहाइड्रेट हो सके। तो अल्टीमेटली प्रोटीन राइट आफ्टर योर जिम इज नॉट नेसेसरी, बट कार्ब्स एंड रेप्लीनेश ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स राइट आफ्टर जिम इज वेरी वेरी नेसेसरी। Why carbs and electrolytes are necessary? इस पर भी मैं एक solid research study के साथ video publish करने वाला हूँ। So please stay tuned to Feed the Idiot. Now the question is, आपको सबसे ज़्यादा protein कब लेना चाहिए? Actually, कभी नहीं। Better option यही होगा कि आप अपने पूरे दिन के protein intake की requirement को calculate करिए and फिर अपना protein shake and diet में से जो आप protein ले रहे हैं, वो सारे दिन के schedule में equally intervals में consume करिए। तो कंक्लूजन ये है कि आपको प्रोटीन थोड़े थोड़े इंटरवल में खाते रहना चाहिए एंड आप जो मील खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कार्ब्स एंड गुड फैट्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, आपको अपना प्रोटीन सप्लीमेंट मील के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। सो द प्रोटीन सप्लीमेंट राइट आफ्टर योर जिम और बिफोर योर जिम इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। स्टे ट्यून्ड टू फीड द इडियट फॉर मोर सच साइंटिफिक प्रूवन ओरिजिनल कॉन्टेंट। आई विल बी बैक वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।